अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है वो बहुत टायर्ड फील हो रहा है, थकन थकन सी महसूस हो रही है। वो इसलिए कि मैं आपको बताती रहूँगी कि क्या है। अभी मैंने सोचा कि मैं किचन में खड़ी भी हूँ तो मैं जो है वो ग्रीन टी बनाने अपनी रख दूँ, और ग्रीन टी के लिए जो है वो पानी लेकर और पहले माइक्रोवेव में गरम कर लूँ, पहले ग्रीन टी डाल लूँ, फिर आपके साथ जो है वो मैं बातें शेयर करूँ। कितनी देर ये हो गया, ये पानी हो गया। अब इसमें जो है वो मैं ग्रीन टी डालूँगी और माइक्रोवेव में रख दूँगी ताकि जो है वो स्टीम में जो है वो ग्रीन टी बन जाए। अब एक हाथ से खोलना, ये मैं यूज़ करती हूँ चिल्तन प्योर की, बहुत बेस्ट है। तो पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बीच में अभी मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी अभी ग्रीन टी वगैरह सब कुछ पीना, तो एक हाथ से करना कितना मुश्किल है। रुक जाए एक मिनट। ये देखिए मैंने जो है वो ग्रीन टी डाल दी है, अब इसको जो है वो माइक्रोवेव का तार लगाते हैं और इसको रखते हैं माइक्रोवेव में। ये गर्म हो जाएगी तो फिर जी, मैं आपको बता रही थी कि आज का दिन बहुत जो है वो हेक्टिक रहा और बहुत ज़्यादा जो है वो थकन महसूस हो रही है। वो इसलिए क्योंकि जो है वो पिछले 1.5-2 महीने से जो है वो अपनी डाइट वगैरह का बिल्कुल ख्याल नहीं रखना हो रहा था, नो एक्सरसाइज नो वॉक वगैरह, क्योंकि जो है वो रूटीन ही आउट हुई हुई थी। उसमें जो है वो फिर मैंने जो है वो आज से सोचा कि आज स्टार्ट किया जाए। और अभी खाने पे तो थोड़ा कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन ये है कि एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करती है तो आज इतनी थकन महसूस हो रही थी, बहुत पेन है, बहुत शदीद वाला पेन है पैरों में। और उसके साथ साथ घर का काम वगैरह तो ये चलता रहता है, तो फिर जो है वो बच्चों के लिए खाना वाना भी बनाया, तो आज जो है वो मैंने बनाया, ये हो गया है। देखती हूँ गरम हो गई, गरम तो हो गई। इसको थोड़ी देर रखेंगे ताकि जो है वो थोड़ा अपना ये अरोमा छोड़ दे, ग्रीन टी के जो एक्सट्रैक्ट हैं वो अपना जो है वो काम दिखा ले पानी में। तो चलकर जो है वो कमरे में बैठ के बात करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। भी आपको बताती हूँ मैं, ये सो रहे हैं रैयान। हाँ तो जी, तो मैंने जो है वो आपको ये बता रही थी कि मैं एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल छोड़ दी थी और जो है वो ना डाइटिंग वगैरह हो रही थी, जिसकी वजह से वेट जो है वो काफ़ी बढ़ा था। और ये था कि अब रमज़ान भी आने वाला है तो कोशिश मेरी यही है कि थोड़ा बहुत कम कर लिया जाए, और इसके लिए जो है वो आज एक्सरसाइज वगैरह की। और तो जो उसके लिए मेरे पैरों में बता रही हूँ कि बहुत शदीद वाला पेन वगैरह हो रहा है, और इंशाल्लाह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डाइटिंग भी स्टार्ट कर दूँगी मैं, अगर जो जो हुआ तो मैं शेयर कर दूँगी, वरना ऑन एंड ऑफ मेरी डाइटिंग चलती रहती है। और वॉक भी शुरू करना है इंशाल्लाह से, वॉक भी स्टार्ट करूँगी। और ये कि खाना वाना बनाया मैंने आज, खाना जो है वो आज वो पुलाव बिरयानी बनाया और बहुत मज़े का था, बच्चों को बहुत पसंद आया। उसके साथ साथ बच्चों को क्रेविंग हो रही थी कि मीठा भी बनाए, मम्मा मीठा हमें खाना है, तो फिर उनके लिए जो है फटाफट इंस्टेंट जो है वो खीर बनाई मैंने, लेकिन चले वो भी चख लेंगे और भाई जो मेरा है वो भी चख लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी टाइम के बाद जो है वो मैंने बताया था कि आते हैं, तो मैंने कहा चलें जितना हो सके अब वो घर के खाने खाना। और खैर वैसे वो तो बना ही लेते हैं, लेकिन ये होता है कि हम भी जो है कुछ ना कुछ घर में बनाकर खिलाएं, तो इसलिए जो है वो मैंने बना ली थी। अब वो खाएंगे तो बताएंगे कि कैसी बनी है। उसके अलावा जो है
ये रेसिपीज जो हैं वो मैंने अभी आपसे के साथ शेयर नहीं की, तो मैंने कहा चले आपसे ज़रूर जो है वो शेयर करूँगी। आगे रेसिपी सारी जो है वो जमा हो चुकी हैं, तो मैंने सोचा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रेसिपी शेयर करूँगी मैं। बाकी यही था कि आज जो था वो हेक्टिक डे रहा पूरा दिन, फिर वो खाना वाना देने के बाद बच्चों को, और फिर किचन वगैरह साफ़ किया मैंने। किचन साफ़ करने के बाद फिर बच्चों को जो है आज बहुत जल्दी जो है वो नींद आने लगी थी, तो क्योंकि सुबह के उठे हुए थे स्कूल के लिए, फिर इन लोगों के भी रूटीन वगैरह ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं, फिर सिपारा वगैरह, तो इस तरह जो है वो सारा दिन इन लोगों का काम रहता है, इसी तरह रूटीन में रहते हैं, तो इन लोगों ने जो है वो फिर सोए भी नहीं थे, तो इसलिए जो है बहुत थके हुए थे, तो आज बहुत जल्दी सो गए थे। तो बस ये भी जो है वो दोनों मेरे दोनों बच्चे भी सो गए, ये जो है वो मेरे पास होते हैं, तो ये जो है ये भी बहुत जल्दी सो गए हैं, क्योंकि जो है सुबह स्कूल जाना है। आज स्कूल का ऐसा रहा, किस कोई कह रहा है कि स्कूल आज आज जो था वो स्कूल का, कल रात से जो है वो न्यूज़ आ रही थी कि स्कूल बंद है, लेकिन जो है वो स्कूल बंद नहीं हुआ है। कुछ स्कूल बंद कर दिए थे, कुछ स्कूल जो थे खुले हुए थे। हमारे जो है वो एक वैन ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा था हमारे बड़े बच्चों की, उन्होंने कहा कि नहीं वो तो लेने आएंगे, लेकिन जो छोटे वाले हैं उनके वैन ड्राइवर ने कहा कि मैं तो सुबह ले लूँगा, दोपहर में नहीं लूँगा। तो मैंने कहा अच्छा भाई चले दोपहर में जो है हम किसी तरह पिक कर लेंगे। अब बच्चों को अब सुबह यही था कि जाना है नहीं जाना, कोई मैसेज करके कह रहा है, फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे स्कूल वाले कि फ़ोन पे भाई बता दें आप कि अगर आपने छुट्टी करी है तो छुट्टी कर लें, वरना क्या नाम है हम करा दें बच्चों को। अब सुबह बच्चे तैयार बैठे हुए और जो है वो स्कूल में वैन तो बुलाया मैंने कहा भाई आगे लेकर जाए, बच्चे तैयार बैठे हुए, ये दो तो उनका तो वैन ने तंग नहीं किया, जो छोटे वाले थे उन्होंने कहा कि हाँ मैं लेने आ जाता हूँ, वो लेने तो आ गए, लेकिन क्या किया उन्होंने जो छोटी क्लासेस हैं उन बच्चों उनको कितना पेरेंट्स तंग हुए, उनको कहा कि क्या नाम है आप बच्चों को ले जाएं और स्कूल ऑफ है। भैया पहले से फ़ोन कर दें, मैसेज जो मैसेज कर दें, एक ग्रुप जो बना हुआ होता है स्कूल वगैरह का उसमें मैसेज वगैरह कर दें कि भाई आज ऑफ है, बच्चे भी तंग ना हो और पेरेंट्स भी तंग ना हो, बिला वजह गए और जो है वो 8:30 बजे छोटे बच्चों के स्कूल लगते हैं, तो उन बेचारे बच्चों को इतनी परेशानी हो, वापस उनको जो है वो घर में बोला फ़ोन करके कि आप अपने बच्चों को ले जाएं। इस तरह भी सब डिस्टर्ब ही होते हैं और सबके लिए परेशानी होती है, अब कोई है घर में लाने वाला या नहीं है, तो अम्माएँ भागे ऑफिस गए हुए होते हैं सबके जो है घर में आदमी वगैरह, तो वो तो परेशान हो जाते हैं ना, तो फिर खुद अम्माएँ लेने भागे स्कूल के लिए। तो इतना सोचना चाहिए मैनेजमेंट को, स्कूल वालों को, कि जो है वो एक न्यूज़ जो है वो सही तरीके की चलाएं, ना कि जो है वो कोई एक कह रहा है कि स्कूल बंद होगा, ये कह रहा है नहीं खुलेगा, वो ट्रांसपोर्ट की कोई स्ट्राइक्स कह रहा है, कोई कह रहा है कि वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पता नहीं कोई किसी को उठ कर मार दिया ये क्या हो गया तो उनकी वजह से बंद है, यानी कि बिल्कुल जो है ना लापरवाही के नतीजे हैं कि पढ़ाई के मामले में कोई जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते हमारे जो है वो गवर्नमेंट। खैर बहरहाल फिर मेरे बच्चे की भी जो है वो 12:30 बजे मैसेज कर दिया 12 बजे कि वन क्लास के बच्चों की जो है उनकी 12:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। अब भाई हम इतनी अचानक से एक तो मैसेज कर देते हैं, फिर वैसे ही उन्होंने कह दिया था कि आप वैन वाले ने कहा था कि आप खुद आ के ले लिएगा, बहरहाल फिर उनको 12:30 बजे लिया गया, तो आज वो जल्दी आ भी गए थे स्कूल से, तो सारा दिन थके हुए भी थे, तो आज ये इसलिए जल्दी सो गए थे। और फिर उसके बाद जो है वो खाना वाना खाने के बाद हमने आज सुबह मैंने चावल ही खाए थे, कल भी मैंने बिरयानी खाई थी और आज भी जो है वो पुलाव बनाया, तो वो बिरयानी खाई, मैंने कहा ग्रीन टी तो बनती है ना, फिर हम ग्रीन टी पिए, तो फिर इसीलिए मैंने जो है वो ग्रीन टी बना ली। अब जो है वो मैं ग्रीन टी इंजॉय करती हूँ, उसके अलावा जो है और कुछ ऐसा खास हुआ नहीं था कि मैं जो है वो शूट करती हूँ। मैंने कहा चले आपसे थोड़ी बहुत बात की जाए और आपको बताया जाए कि ये जो स्कूल मैनेजमेंट का ये स्कूल के जो हो रहा है इस तरह की बातें ना, ये जो हमारे स्कूल वाले हैं इन इदारों को चाहिए कि
तरीके से जो है एक डिसीजन लेकर फैसला किया जाए, ना कि जो है कोई ग्रुप में सोशल मीडिया पे कोई कुछ और कह रहा है, फिर कुछ और मैसेज आ रहे हैं। इवन कि भाई मैं तो यही था कि स्कूल से जब तक मैसेज ना आए ना, आपके बच्चा जहाँ पढ़ता है अगर वहाँ से मैसेज ना आए तो फिर जो है ना किसी बात को जो है ना आप ना सुने, जब तक स्कूल में वाले कुछ ना कहें जहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं। तो बहरहाल बस यही चीज़ थी, तो इसलिए बस आज ये परेशानी हुई थी। तो इस चीज़ को जो है वो सारे इदारे जो हैं वो देखा करें, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो भी हैं हमारे जो चला रहे थे वगैरह के, तो इस चीज़ पे ज़रा और किया करें। बस यही था आज का ब्लॉग, और जो है वो मैं अपनी ग्रीन टी जो है वो इंजॉय करती हूँ। बाकी आप लोग जो है वो मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहा करें, इसी तरह देखते रहा करें और पसंद करते रहा करें, मोटिवेशन मुझे मिलती रहती है। और आगे जो है वो और अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो मैं बनाती रहूँगी, और आप लोगों की सपोर्ट ज़रूर चाहिए। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे पता चलता रहता है। कमेंट्स कर दिया करें, अच्छे कमेंट्स किया करें, बैड कमेंट्स तो हर कोई नहीं करता मुझे पता है। इंशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छी मेरी जो है वो फैमिली है ये यूट्यूब फैमिली, तो माशाल्लाह माशाल्लाह सब देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरह भी आगे सपोर्ट करते रहा करें और अपनी दुआओं में याद रखा करें हर चीज़ के लिए। माशाल्लाह और आमीन जज़ाकअल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना करते हैं और कहते रहा करें। बाकी जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।